स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, हेयर रोलर, इन सबको डिच कराओ और वन स्टेप का ये हॉट एयर ब्रश ले लो। हाँ जी, तो फाइनली आज मैं इसको रिव्यू करने वाली हूँ, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, तो ये जी प्रोडक्ट है, इसके जो प्राइस सेल पे जब मैंने लिया था उस टाइम ये 1999 का था, मतलब 2000 रुपये का था, और अभी वाले प्राइस मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, और इसका जो ऑथेंटिक लिंक है ना जहाँ से मैंने ये बाय किया था उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप भी उसी लिंक से बाय कर लेना। तो ये इसका कुछ बॉक्स है, आप देख सकते हैं लिखा है वन स्टेप हेयर ड्रायर एंड स्टाइलर, और नीचे लिखा है स्मूथ फ्रिज फ्री ब्लो आउट्स इन हाफ द टाइम, और यहाँ पर लिखा है स्ट्रेटनिंग प्लस ड्राइंग हॉट एयर ब्रश। और ये अगर इसके बैक वगैरह पर देखें तो वही सब लिखा है कि फास्टर, लेस डैमेज है, लाइट वेट डिज़ाइन है, और टेम्परेचर जो इसका कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, टेंगल फ्री ब्रिस्टल्स हैं इसके। तो अब इसको मैं फाइनली ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो दिस इज़ द बॉक्स, इसको कर लिया है ओपन, और इसके अंदर है जी हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ऊपर इसके ब्रश जैसे ब्रिस्टल्स हैं, नीचे से काफ़ी हैवी है पकड़ने में। आई मीन इसके लुक आपने ऑलरेडी देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था ये कुछ टाइम पहले, लोग काफ़ी ब्लो आउट वाली लुक कर रहे थे, अपने बालों को वॉल्यूम वगैरह दे रहे थे इससे। तो यस, ये है वो चीज़। अच्छा एक सेकंड, लेट मी क्लियर वन थिंग, कि ये जो आप बाहर के जो अब्रॉड में जो लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वो लोग यूज़ कर रहे हैं रेवलॉन का वन स्टेप हेयर ब्रश, और वो पाकिस्तान में तकरीबन 7-8 हज़ार का मिलता है। ये उसकी भी मास्टर कॉपी है, ये किसी और कंपनी का है, मतलब ये रेवलॉन का नहीं है, ये उसकी मास्टर कॉपी बनी हुई है, लेकिन एग्जैक्टली उसकी तरह काम करता है, एग्जैक्टली उसकी तरह दिखता है। मैंने दोनों को अच्छे से कंपेयर किया है, और सही बताऊँ तो ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है, तो अपने 7-8 हज़ार वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 2000 वाली चीज़ अच्छा काम करती है। अच्छा चले, अब मैं अपने फाइनली अपने रिव्यूज़ शेयर करती हूँ कि मुझे कैसा लगा। तो जिस दिन मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी ना, उसको अनबॉक्सिंग कंप्लीट करने के फौरन बाद बस मैंने उसको उठाया, मैंने कहा इसको मुझे अभी ट्राई करना है, मैं इतनी एक्साइटेड थी, तो उसको मैंने प्लग लगाया और बालों में सिंपली फेरने लगी ना, तो मुझे ना बिल्कुल उस टाइम पे तो कोई फजूल तरीन चीज़ लगी मुझे ये। फिर मैंने यूट्यूब खोला, मैंने ट्यूटोरियल्स वगैरह सर्च किए कि लोग किस तरह इसको यूज़ करते हैं, मुझे बाद में जाके पता चला कि क्योंकि ये ड्रायर भी है तो अपने बालों को थोड़ा सा गीला करके इसको यूज़ करना होता है, तो मतलब वही थोड़ा डम मोमेंट था मेरे लिए। खैर, मैंने फिर पानी वाला स्प्रे उठाया, बालों को अच्छे से थोड़ा सा स्प्रे किया, देन इसको यूज़ किया और इसको स्वर्ल किया, मतलब ऊपर वाली साइड से। आपको मैं कुछ वीडियोस के लिंक ऐड कर दूंगी, आप वो जाकर देख लेना। वैसे मैं चाहती थी कि मैं खुद आपको ट्राई करके दिखाऊँ किसी के बालों पर, बट कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाई अभी, तो आपको मैं वीडियोज़ के लिंक दूंगी, आप वो देख लेना कि इसको यूज़ किस तरह करते हैं। आप बालों के ऊपर से लेकर आते हो और इसको ना मोड़ते रहते हो, सारा काम ना आपके हाथ का होता है, हाथ जितने अच्छे से आप मोड़ोगे ना उतने अच्छे से आपके बालों में रोल बनेगा। और लेट मी जस्ट समराइज इट इन वन सेंटेंस, ये कमाल की चीज़ है। जिस दिन से मैंने ये लिया उस दिन के बाद से मैंने स्ट्रेटनर तक यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से लेंदी हैं, तो स्ट्रेटनर से मुझे बाल स्ट्रेट करने में तकरीबन भी 25-20 मिनट तो लगते ही लगते हैं मैक्स। और इससे आप लोग यकीन नहीं करोगे, विद इन 4-5 मिनट्स बाल पूरे स्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्रश है ना, आपको एक स्ट्रैंड पकड़ के नहीं स्ट्रेट करना पड़ता, उसमें तो घंटे घंटे लग जाते हैं, जबकि इस वन स्टेप वाले ब्रश का तो क्विक सीन है, बस बाल थोड़े से स्प्रे करो, गीले करो और अपने बालों में फेरो, और 4-5 मिनट में आपके बाल एकदम स्ट्रेट। और अगर ब्लो ड्राई करना हो, थोड़े से रोल करने हो, वो भी हो सकते हैं, इससे आप बाल थोड़े से वेवी भी कर सकते हो, और जब बाल धोकर आप आते हो, बाल गीले हो रहे हो, तो उनको खुश करना हो, सुखाना हो, तो आप इसको सिंपली सीधा सीधा बालों में फेरो, बाल आपके आई थिंक 2-3 मिनट में खुश हो जाएंगे। तो यस यार, बेहतरीन चीज़ है, मतलब आपको इस एक मिनट में पता लग गया होगा कि मैं कितनी ज़्यादा इससे खुश हूँ, इस प्रोडक्ट से। मतलब अगर मुझे ये पहले मिल गया होता ना, मैं स्ट्रेटनर ना लेती शायद, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ये ऑल इन वन वाला काम करेगा, आपके गीले बालों को ड्राई भी करेगा, क्योंकि ये हेयर ड्रायर है, इसके जो बीच वाला पार्ट है ना वहाँ से हवा निकलती है, तो ब्रिस्टल्स में गर्म गर्म हवा आती है। इसके अलावा आपके बालों को स्ट्रेट भी करेगा, आपके बालों को रोल वेव भी करेगा, ब्लो आउट भी करेगा। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको चला के दिखाती हूँ, उसका प्लग मैं लगा देती हूँ और इसको कर लेते हैं ऑन। यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए, लो, मीडियम और हाई का, इसको मैं कर देती हूँ ऑन। और ये देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी हवा की, इतनी तेज़ आवाज़ आती है और ये गर्म हवा निकल रही है इसमें से, देखें, कैन यू हियर इट। यहाँ ब्रश के ब्रिस्टल वाले साइड से ना सारी वो गर्म हवा निकल रही है, और इससे आपके बाल हो जाएंगे स्ट्रेट वगैरह सब कुछ। तो ये ऐसे काम करता है, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ उससे, फुल ऑन रिकमेंडेड है, 10/10 अभी जाके ले लो आप। बस 2-3 टिप्स दे देती हूँ आपको मैं, एक तो हमेशा थोड़े से गीले वेट बालों पे यूज़ करना है, सेकंडली इसको यूज़ करने से पहले अपने बालों में कोई ऑयल रिप्लेसमेंट में पेंटीन का यूज़ करती हूँ, उसका लिंक भी ऐड कर दूँगी, तो वो लगाना है। इसके अलावा लॉरियल का हेयर सीरम लगाना है, उसका लिंक भी ऐड कर दूँगी मैं। उन दो को लगाने के बाद इसको यूज़ कीजिएगा, ताकि आपके बाल शाइनी रहें और प्रोटेक्ट भी हो जाएँ।
और उसके बाद आप इसको बस यूज़ करो, चाहो तो स्ट्रेट कर लो, वेव कर लो, रोल कर लो, वॉल्यूम दे दो बालों को, ब्लो आउट कर लो। यार आफत चीज़ है ये, बहुत अच्छी है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। स्ट्रेट करने के लिए तो खैर प्रैक्टिस नहीं चाहिए, वो तो सीधा सीधा सा काम होता है, लेकिन बालों को ब्लो आउट और रोल करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। लेकिन एक दफ़ा इसके साथ अगर आप कंफर्टेबल हो गए ना, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, मतलब मज़े की चीज़ है यार ये तो। यस, फुल ऑन रिकमेंडेड है, इसका लिंक मैंने ऐड कर दिया है। ये था मेरा रिव्यू, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी, किसी के बालों पे मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखा दूँ, ट्यूटोरियल वगैरह शेयर कर लूँ। बाकी फिलहाल के लिए रिव्यू तो मैंने आपको दे दिया है, एंड अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी ट्राई किया वो तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा यह। सो यस, दैट वॉज इट फॉर द रिव्यू, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अल्लाह हाफिज़ अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो। अपना अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।